हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी फाइव क्लास के बच्चों एवं फोर्थ क्लास के बच्चों से मेरा कहना है कि हिंदी मेन बुक चैप्टर 3 तक तो हो गया है, लेकिन हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में भाषा और व्याकरण है, उसे भी बता दिया गया है। चैप्टर 2 में है वर्ण और वर्णमाला। रियाज के लिए वर्ण किसे कहते हैं ये आपको बता दिया गया है, और जो बताया गया वीडियो में उसके आधार पर आप लोग चैप्टर वन और टू का सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग फेयर की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा, और साथ साथ में याद भी करते रहिएगा। चैप्टर 3 में है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, फोर्थ और फाइव दोनों क्लास के बच्चों के लिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चों आपको पता है कि दुनिया में चाहे जितना भी वस्तु है, कोई किसी भी वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। हमारे आजू बाजू में बाहर जाने पर, घर में कहीं भी जो वस्तु दिखाई देती है, उस वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। जहां हम जाते हैं, जो भी जगह है, सभी जगह का कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं इसका परिभाषा अब आप 1 और 2 की तरह नहीं देंगे, UKG की तरह नहीं देंगे कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बात सही है, लेकिन अब आपके लिए संज्ञा की परिभाषा हो गई कि जिस शब्द से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या और भाव के नाम का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन आपको आगे बढ़ने पर, दूसरे क्लास में जाने पर, इसमें भी थोड़ा सा आपको बताया गया है, आप 4-5 को भी बताया गया है थोड़ा सा, कि 2 और संज्ञा होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, वो भी बताया गया है आप लोगों को। तो पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो विशेष नाम होता है, उसी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका शहर मोतिहारी है, ये मोतिहारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपका जो नाम है राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी आपका नाम है, वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी किसी भी विशेष नाम को संज्ञा कहते हैं। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से पूरे जाति का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी कहने पर हमें स्पेशल किसी नदी के नाम का पता नहीं चलता है। गंगा नदी अगर कह रहे हैं तो गंगा नदी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नदी कहिएगा तो नदी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर इसका हम स्पेशल जो नाम है उस नाम से पुकारे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। जिस शब्द से किसी भी पूरी जाति का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, तो भाववाचक संज्ञा में आपके मन के भावों का पता चलता है। भाववाचक संज्ञा से आपके, मेरे आजू बाजू में किसी के भी जब मन के भावों का पता चलता है, तो उस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं, सर्वनाम से भी बनते हैं और विशेषण से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन, लड़का लड़कपन, अपना अपनापन, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मिठास, खटास,
सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। उसके आगे है आपको शॉर्ट में थोड़ा सा जानना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जब आगे जाइएगा तो आपको संज्ञा के पांच भेद बताए जाएंगे, अभी तीन ही भेद बताए गए हैं। तो उस पांच भेद में पहले से आपको पता होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, चौथा होगा द्रव्यवाचक और पांचवा होगा समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा से हमें किसी द्रव्य के बारे में पता चलता है, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा से किसी भीड़ का पता चले, लगे कि वहाँ समूह में कुछ हो रहा है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, मेला शब्द ही ऐसा है जिससे लगता है कि वहाँ कुछ अधिक लोग ही जमा हुए होंगे, तभी भी मेला का नाम उसको दिया गया है। भीड़, सड़क पर जाम लगी है, ये जाम क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ लगी है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। सेना की टुकड़ी देश की सुरक्षा में तैनात है, यहाँ सेना समूहवाचक संज्ञा का प्रतीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मुझे पूरा विश्वास है 4 और 5 दोनों क्लास के बच्चों से मेरा कहना है कि चैप्टर 1 भी आपको बताया गया है भाषा के बारे में, वर्ण और वर्णमाला चैप्टर 2 का भी बताया गया है, शब्द के बारे में भी पांडे सर आप लोगों को बताए हैं, तीसरा है संज्ञा, संज्ञा भी आप लोगों को बता दिया गया है। अब आप लोग चैप्टर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर का, 4, 5 दोनों क्लास तीनों चैप्टर का आप लोग फेयर आराम से करके कॉपी तैयार रखिएगा, और तीनों चैप्टर का जिस दिन भी हमें समय मिलेगा, जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा, जब भी विद्यालय खुलेगा, मैं तीनों चैप्टर आप लोगों से सुनूंगी और याद फेयर की कॉपी भी चेक करूंगी। फिर अगले वीडियो के इंतज़ार में। धन्यवाद।